हेलो दोस्तों, मैं ही पीयूष और आज के इस वीडियो में आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं पूरी एकदम तैयारी से लग गया हूँ। तो इसमें देखिए, जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको बताऊंगा कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आपके लिए एक ऐसा है जो कि है क्षारक, जिसको बोलते हैं बेस, एकदम पूरा आपको दिमाग में एकदम बैठा दूंगा। जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ है, पूरा आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि मैं इस बार का टारगेट जो लेकर चल रहा हूँ वह है 95% प्लस का। तो इस बार आपको बोर्ड एग्जाम 95% लाना है। बस आपको इतना करना है कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, बस उन चीजों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आपके 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी आप गारंटी मानिए, क्योंकि जो जो चीजें बता रहा हूं सभी एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको ऐसी चीजें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। भले यहां पर मैं वीडियोस दिन में अभी कम दे रहा हूं, बट आगे और वीडियोस आएंगी तो आप लोग उसका वेट करिएगा। और देखिए, अभी जो जो वीडियोस दे रहा हूं वो सभी एकदम आपका मैं पूरा टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं, एक एक चीजें। अभी पूरा मैं टॉपिक क्लियर करवा दूं, कुछ दिन रुकिए, उसके बाद आपको बहुत ही शानदार वीडियोस मिलने वाली हैं। अभी की जो वीडियोस हैं उनसे भी आपके काफी अच्छी तैयारियां कराई जा रही हैं, लगभग 50% उससे आएगा, 50% इससे। तो देखिए, यहां पर आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो देखिए, जो क्षार होता है, क्षार क्षारक या फिर बेस कह लें, या फिर उसी को भस्म कह सकते हैं, इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। आप देखिए, समझिए क्षार आखिर होता क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो क्षार होता है तो वे पदार्थ, सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा है, परिभाषा में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको समझाते हैं। तो समझिए आप, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, क्षारक कहलाता है। तो आप समझिए, ऐसा पदार्थ, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा अथवा कड़वा हो, जो क्षार होता है उसका पदार्थ किस प्रकार होता है, उसका जो स्वाद है वह तीखा रहता है और कड़वा रहता है। तो देखिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा अथवा कड़वा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को, सॉरी वो नहीं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये भी होता है, अभी मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले आप समझिए, तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, जो क्षार होते हैं उनका जो स्पर्श है, जब उनको आप छुएंगे ना तो वो साबुन जैसा एकदम चिकना रहेगा, जैसे ये हो गया तो ये एकदम साबुन जैसा ऐसे चिकना रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अभी मैं आपको एक और परिभाषा दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो क्षारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है, जिनका स्वाद कैसा होता है, तीखा तथा कड़वा होता है, तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, क्षारक कहलाता है। अब देखिए, एक सिद्धांत है आर्हेनियस का सिद्धांत, इनके अनुसार एक परिभाषा है। तो अगर पेपर में पूछ लेगा कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लिखिए, तो आपको ये लिखना रहेगा कि क्षार वे पदार्थ हैं, यहां पर आप लिखेंगे क्षार वे पदार्थ हैं, कि क्षार एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में, ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्राऑक्साइड आयन देते हैं, केवल क्या देते हैं, हाइड्राऑक्साइड। अभी मैं लिख लूं, आपको समझा रहा हूं, चिंता ना कीजिए, हाइड्राऑक्साइड। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम की यहां पर आपके सामने एकदम अच्छी तैयारी कराई जाएगी। देखिए, लिख लिया हमने, तो क्षार एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में वियोजित होकर अथवा आयनित होना, वियोजित होना अथवा आयनित होना, आप यहां पर समझिए,
एक यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ग्लास है, इसमें ऐसे जल है, तो ये जली विलयन हो गया, इसमें जल है ना, तो ये जली विलयन हो गया। अब क्षार एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जली विलयन में वियोजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड मतलब ओ एच माइनस आयन, तो ये ऋणावेशित देते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। ये हो गया आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जांपल हो गया, अगर हम इसका एग्जांपल आप देखें तो ये साबुन ले सकते हैं आप, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा साबुन और भी चीज़ें हैं। तो ये देख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, तो इसी तरीके से लिखेंगे। और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पर एकदम दमदार तरीके से कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एकदम चैनल के साथ जुड़ जाइए। डेली का डेली यहाँ पर मैं आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ, आपके लिए एकदम जुटा हुआ हूँ, तो आप लोग भी पूरा साथ दीजिए। ओके दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको और किसी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में।